गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में विलोपन विधि से इनको हल कैसे किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, विलोपन विधि, विलोपन विधि के ये आपको कार्य विधि लिखी हुई है, तो इसको यहाँ समझ ले बच्चे कि विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि यानी विलुप्त करना। दो चर वाले समीकरण के दो युग्म दिए रहेंगे आपको, आपको दोनों में एक चर को विलुप्त करेंगे, विलुप्त यानी उसको गायब करेंगे। और जब हमको एक दो चर में से एक चर नहीं रहेगा तो बचेगा क्या, एक चर का समीकरण। और एक चर के समीकरण को आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कैसे हल करते हैं, तो एक चर का मान निकाल लेंगे हल करके। और जब एक चर का मान निकल आएगा, उस चर का मान दो चर के समीकरण के किसी भी समीकरण में रख करके हम दूसरे चर का भी मान ज्ञात कर लेंगे। ये इसकी प्रोसेस है, तो इसको नोट कर लें इस मेथड को। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो हम अभी यहाँ पर विलोपन विधि देखेंगे। हमको यहां पर दो समीकरण दिए हुए हैं, कौन कौन से समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल फाइव, इस समीकरण का नाम दे दिया हमने एक। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल फोर, ये समीकरण नंबर दो है। ठीक है, अब हमको विलोपन विधि का हमने जो नियम बताया है उसमें से हमको एक चर को विलुप्त करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी एक चर के गुणांक को समान करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल है, वाई का चर, वाई के गुणांक को समान करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए जैसे यहाँ इस y के चर में कितने का गुणा है, माइनस थ्री का, तो हमको यहाँ भी y के साथ थ्री लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में तीन का गुणा करने पर तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे, तीन का गुणा कर देंगे। तो सॉल्व करिए आप, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर, तीन का पांच में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। अब हमको इसमें सेकंड समीकरण में आपको चूंकि तीन ऑलरेडी है तो इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब आप देखते हैं कि हमने y के जो गुणांक है एक से बना दिए, यहां भी 3y है और यहां भी 3y है। अब हम देखते हैं कि यदि हम समीकरण को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ने या घटाने पर उस चर का जो पद है वो विलुप्त हो जाना चाहिए। तो यदि जोड़ने में विलुप्त हो रहा है तो जोड़ेंगे, और घटाने में विलुप्त हो रहा है तो घटाएंगे। तो चूंकि अपोजिट साइन के रहने पर इनको जोड़ना पड़ता है, यदि अपोजिट साइन है तो आप दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, और यदि एक से साइन है या ऋण ऋण या धन धन तो एक को घटाएंगे, तो इसे एक साइन बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट साइन है इसलिए हम समीकरण को जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये धन 3y और ऋण 3y कट गया, कितना बचा 5x, और यहां कितना हो जाएगा आपका 19। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान कितना हो गया आपका
उन्नीस बटे पांच, ठीक है, 19/5। तो यहां पर आपका x का मान है 19/5, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण वन में रखने पर, तो एक रखिए आप 19/5 धन y बराबर 5, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 ऋण 19/5, तो कितना हो जाएगा, 25 ऋण 19/5, 25 में से 19 गए 6/5, तो आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू आपका है 19/5 और y इक्वल टू है 6/5, ये आपके आंसर है, ठीक है। तो आपको आज हमने विलोपन विधि से क्वेश्चन करने बताया और हमने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से बताया, दोनों विधि से आप कर सकते हैं, आपको दोनों लगभग समान हैं और दोनों ही सरल हैं, ठीक है। अब हम विलोपन विधि से आगे भी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें समीकरणों का योग में बनाना है और उनको हल करना है, तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो यहां पर हमको एक भिन्न लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न क्या मानेंगे, एक्स बटे वाई है, ये आपका भिन्न है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या लिखा हुआ है, अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश क्या है आपका, एक जोड़ दिया, अंश एक्स है उसमें एक जोड़ दिया, और हर में से एक घटा दें, तो हर आपका है वाई उसमें से एक घटा दिया, इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो इसको सरल करिए, x प्लस वन इक्वल y माइनस वन, एक्स माइनस वाई और वन को पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस टू, ये आपका एक समीकरण बन गया, क्लियर। अब हम आगे देखते हैं क्या कंडीशन दी है, कि हर में एक जोड़ दें, तो आपको अंश में कोई परिवर्तन नहीं है, हर में एक जोड़ दें, ठीक है, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 2x बराबर y धन 1, तो ये हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 1, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको दो समीकरण मिल गए, तो इसको हमको विलोपन विधि से हल करके x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से समीकरण दिए हुए, x माइनस वाई बराबर माइनस टू, ये समीकरण नंबर एक, और समीकरण नंबर दो क्या है आपका, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण नंबर दो है, क्लियर। हमको इसमें से एक चर को विलुप्त करना है, तो y के चूंकि गुणांक एक से है, इसमें भी गुणांक ऋण एक है, एक है और इसका भी गुणांक एक है, तो आपको इसके गुणांक में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो गुणांक सेम है, अगर गुणांक सेम ना होते तो गुणांक सेम करते, ठीक है ना। गुणांक सेम कैसे करते हैं, कि इसके गुणांक दूसरे समीकरण के चर के गुणांक को ऊपर के चर के गुणांक में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां जरूरत नहीं है क्योंकि इसके गुणांक एक से है। अब दोनों ऋण चिन्ह है तो ये विलुप्त कैसे होगा, जोड़ने में तो विलुप्त तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जुड़ जाएगा चिन्ह एक से होने में, तो हम इसको घटाएंगे,
घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, घटाने पर इसके चिन्ह बदलते हैं, तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा धन की जगह पर, और धन की जगह पर ऋण की जगह पर धन चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ धन चिन्ह है यहाँ ऋण यूज करेंगे। अब हम घटाने पर जब ऋण बाय और धन बाय कट गया, कितना बचा x ऋण 2x, x ऋण 2x, ऋण 2 ऋण 1, तो कितना मान आ गया आपका x ऋण 2x ऋण 1, और ये कितना आ गया ऋण 3, x बराबर 3। ठीक है, अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दें, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखने पर रखिए आप कितना हो जाएगा 3 ऋण बाय बराबर ऋण 2, ऋण बाय का पक्षांतर करेंगे 2 को यहां ले आएंगे, तो 3 धन 2 बराबर बाय, तो बाय बराबर कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो x का मान 3 है y का मान 5 है, तो आपके आंसर में भिन्न जो आएगा आपका कितना हो जाएगा x बटे y, तो 3/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु से 3 गुनी थी, तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं, मान लो नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, ये दोनों की आयु है 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले, अभी जैसे आयु x वर्ष है तो 5 साल वाले पहले कितनी होगी x माइनस 5 होगी, तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी है x है, तो उसमें से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की आयु जो है कितनी होगी y माइनस 5, तो इसकी 3 गुनी थी। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी होगी y माइनस 3, और नूरी की आयु कितनी होगी x माइनस 5, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो आपका जो सरल करेंगे x माइनस 5 3y माइनस 15, इसको सिंपल करिए x माइनस 3y, और जो माइनस 5 को आप राइट में ले आएंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस 5 और माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये आपका एक समीकरण बन गया समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या दिया हुआ है, दस वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात आज जो आयु है उससे 10 साल बाद क्या हो जाएगी नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10। क्लियर, क्या लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी दुगनी के लिए आप क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे,
इसको आप थोड़ा सरल कर लो, एक्स प्लस टेन इक्वल 2y प्लस 20। इसको सरल करिए और एक्स माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10। एक्स माइनस 2y इक्वल 10, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आपको ये दो समीकरण मिल गए, एक समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों को आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहे तो विलोपन विधि से, जो भी आपको सुटेबल लगे उस विधि से हल करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब एक्स का जो मान आएगा वो नूरू की आयु कहलाएगी और जो वाई का मान होगा वो सोनू की आयु होगी। तो ये कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको